मैंने रात चावल बनाए थे वो थोड़े से रखे हुए थे, फिर मैंने कहा रोटी बनाने जाती हूँ, फिर अम्मी जान ने कहा इनको फजूल करोगे, आपके पास ज्यादा खर्चा है कि आप लोग एक चीज पड़ी होती है फिर दूसरी बना के रख देते हो, कोई जरूरत नहीं है रोटी बनाने की। मैंने कहा अच्छा, फिर वही चावल जो है ना हमने खाए थे। माशाल्लाह जी मिसाले काट चुके हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मिसाले काट चुके हैं, कलर बहुत प्यारा आ रहा है। देगची नहीं निकल रही इसलिए चम्मच के साथ निकाले जा रहे हैं। हाँ क्योंकि देगची जो है ना फुल रखी है। माशाल्लाह जी ये हमारे भेज जो है निकाल लिए हैं देगची से। आग जल चुकी है, अभी इसके ऊपर रखेगी बड़ा पतीला क्योंकि आज बना रहे हैं भे। प्याज मैंने अभी इसको ग्राउंड करते हैं, ग्राउंड करने के बाद जो है ना हरी मिर्च है और टमाटर ऐड करते हैं। दो चला जी, तंदूर तो रत्ता लाल हो गया है लेकिन लकड़ी बाल रही है अभी तक। अभी वो लकड़ी बनेगी। भाई माशाल्लाह जी सब्बा भी आ चुकी है, अहमद भी आ चुका है, रोटियां लगाने आ गए हैं, हमला कर दिया है। हमने कहा टाइम से जाएं फिर लेट हो जाती है। बढ़िया पेन सिप्लाई लगाओ चाहे, बहुत जबरदस्त टेस्टी बेहतरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे। जो हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, चलते इसी द्वारा विलो की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह असर का बाद का टाइम हो चुका है, हम भी हाजिर हो चुके हैं। तो अभी जो है बच्चों की हो रही है तैयारियां, बुशरा जो है फ्रेश फ्रेश हो गई है, इसका कंघा हो रहा है। हाँ जी ऐसे ना जी। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, घर में बच्चे भी सब ठीक है। आप सब बहन भाई की दुआ है, तो जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल कर ले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, अच्छे अच्छे कॉमेंट करें, वीडियो फॉलो करें। तो माशाल्लाह अभी जो है ना बुशरा नहा के फ्रेश फ्रेश हो गई, अभी इसकी तैयारी करा रहे हैं इंशाल्लाह, इसको कंघा वगैरह करके इसके बाद जो है ना सीधे काट के खड़ा दूंगी, ये खेलती रहेगी, फिर हम जो है ना अपने खाने पीने की करेंगे। हाँ जी। आप सब हमारे साथ रहना, वीडियो फुल वॉच करनी, वीडियो से पिक नहीं करनी। आज जो है ना मजेदार वीडियो होने वाली है इंशाल्लाह, न्यू रेसिपी बना रहे हैं आज। ऐसे ना बुशरा चार पाया सारी निकाली जा रही हैं, लाइन पे सकती जा रही हैं। देखें इस साय की छां जो है ना वो आ चुकी है, साया बड़ा मजेदार है ये वाला, साय की छांव बहुत अच्छी जल्दी आ जाती है असर के टाइम, जो साया पूरे सहन में छांव दे देता है, फिर जो है सब बाहर आ जाते हैं पंखे वगैरह बंद करके। अभी तैयारियां कर रहे हैं फिर खाने पीने की करते हैं। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार रेसिपी, हमारे वो भे जो सुबह लिए थे ना वो काट के हमने तंदूर में रख दिए थे, तो वो आज बनाने वाले हैं, मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह मिसाले उठा लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह बुशरा रेडी हो गई है ना, बुशरा रेडी हो गई है, दुपट्टा भी पहन लिया है। हाँ जी बुशरा सलाम कर दो, सलाम करो, सलाम कर दो बुशरा। आज क्या बना रहे हैं भे? फसल नहीं भे, भे है आप नहीं देखा सुबह क्या नहीं। जो लेके आए थे हम नहीं गिनते, आप नहीं गिनते नहीं। हम तो ले लिया है नहीं। आज हम भे बना रहे हैं, आप खाओगी नहीं। क्या खाओगी? भिंडी। इसके लिए भिंडी ले आना, भे देखेगी फिर कहेगी ये मैं खाऊंगी, इसको पता नहीं भे है क्या चीज। हाँ क्या होते हैं नहीं, जो सुबह रक्षे वाले से मैं लेके आया था आपने नहीं देखा था? नहीं देखा था, नहीं देखा था। चलो अभी आपको दिखाते हैं, ये प्याज वगैरह काट ले मिसाल है, फिर हमने वो रखे हैं तंदूर में, फिर निकालेंगे, फिर आप देख लेना। अब कहाँ जा रही हो, अक्सा के पास हैं? माशाल्लाह जी मिसाले काट चुके हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मिसाले काट चुके हैं। चले मैं जो वो वाली प्लेट नीचे रखता हूँ। हाँ जी। फिर तंदूर से निकालते हैं भे, देखते हैं वो गले हुए या फिर वैसे रखे हैं, फिर बॉयल करने पड़ते हैं। हाँ देखते हैं इंशाल्लाह, अभी मैं मिसाले काट लिया फिर। हाँ मिसाले काट लो फिर देखते हैं। हाँ जी। ये जो मैं उधर रख देता हूँ, ये रखे हैं हमारे भे। अब इसको पहले तो रख लिया था, अभी भी आग पड़ी है, रस्सी बांध के रखा था उस टाइम, रखी उस टाइम रस्सी बांध के डाला था तंदूरी उठा के ले आई हो, ढक्कन उठाई है, ओ ये क्या हुआ,
बॉयल हो गया है ना, बढ़ते रहे बढ़ते रहे। उसका कलर है अभी, मैं कहती को चम्मच ना निकालने, फिर नहीं उठाई जाती, मैं उठा रही हूँ, नहीं उठाएगी तो में पानी चला जाएगा, नहीं जाएगा। चलो निकाले जा रहे हैं, वाह जी वाह, कलर चेक करें, कलर बहुत प्यारा आ रहा है, देख ची नहीं निकल रही इसलिए चम्मच के साथ निकाले जा रहे हैं। हाँ क्योंकि देख लीजिए ना, फुल रखी थी, अभी उसके अंदर पानी भी है, फिर गर्म बहुत ज्यादा है ना, गर्म बहुत ज्यादा है, तंदूर में रखी, अभी भी आग है तंदूर में, ये बॉयल हो गया है ना। हाँ चलो अभी भुनाई करनी है, बस ये जल्दी हो जाएगा है ना इंशाल्लाह, देखना। बस इसलिए मैंने कहा इसको निकाल देते हैं, कुछ जो है ना हौले हो जाएगी, फिर देखिए ऊपर उठाएगी। हाँ नहीं तो ऐसे नहीं उठाती। अक्सा आई है, ओ अक्सा भागी है, ओ दूसरे की तरह भाग जाती है। कैमरे से ये डरती है। हाँ। निकाल लिया है, बस कोशिश से निकाला है। निकलने वाली नहीं थी, चलो पानी गर्म इतना था ना, अभी तक भी पानी बहुत ज्यादा है, चलो दे निकालो। फिर इसको इस पानी को वीटो, इसको निकाल देंगे ना, निकाल देंगे, नहीं डालना होता, सिर्फ इसको ब्राउन करेंगे, ये वैसे बॉयल हुए रखे हैं, गले रखे हैं, जब इसकी रेसिपी बनेगी ना बहुत ही अच्छी बनेगी। माशाल्लाह जी, ये हमारे भे जो है निकाल लिए हैं देगची से, सुमैया कहते हैं कैसे बनते हैं ये भे, आज बना के आपको खिलाते हैं, देखना कितने मजे के होते हैं ये, बच्चे हैं भूल जाते हैं, पिछली बार बनाया बनाया ना था, खाया था ना आपने पहले, हाँ, एक बार इस घर में अरबी खाई थी, अरबी है ना, हाँ वो अरबी थी। अरबी खाई थी, भे नहीं थे, अरबी पसंद करते हो, कहते हैं अरबी बनाओ, अरबी सही नहीं होती, हमें नहीं लगती, हमें अच्छी नहीं लगती, हमें ये अच्छे लगते हैं भे। तुम खेलते हैं, चलो जाओ खेलो, अच्छा और हम खेलते हैं, आग जल चुकी है, अभी इसके ऊपर रखेगी बड़ा पतीला, क्योंकि आज बना रहे हैं भे, खुले बर्तन में अच्छे बनते हैं, जैसे चावल बनते हैं। हाँ जी, आज ऐसे समझो पुलाव बन रहा है। समझो नहीं, भे बन रहे हैं। हाँ, पुलाव की तरह बन, ख्वाब देख रही हो क्या चावलों का? वैसे मैं खाती तो नहीं, तो बात कह रही हूँ। घी मैंने ऐड कर दिया, अभी घी गरम होने तक फिर जाना मिसाले ऐड करेंगे। घी ऐसे लगता है जैसे ऑयल होता है। हाँ गर्मियाँ बहुत ज्यादा है ना, पिघला हुआ है। हाँ बस ऑयल की तरह है, जब सर जाएंगे तो फिर ऐसे होगा जैसे पत्थर होता है, जैसे ट्रैक्टर के व्हील तले रखो नहीं फिसता, नहीं फिसता, ऐसे पत्थर बन जाता है। हाँ बहुत सॉफ्ट हो जाता है। हाँ जी, तो माशाल्लाह घी गरम हो चुका है। हाँ जी, चलें ऐड करें प्याज, माशाल्लाह प्याज मैंने ऐड कर दिया, पीछे पीछे से ग्राउंड करते हैं, ग्राउंड करने के बाद जो है ना हरी मिर्चें और टमाटर ऐड करते हैं, आज जो है ना टमाटर हमें महंगे मिले, एक टमाटर था इतना, दो थे, एक सुबह बनाया था ना, अच्छा हाँ जी, एक रखा था जो अभी, चलो गुजारा हो जाएगा ना। प्याज नहीं पड़े, प्याज के साथ तो मशरूम अच्छी बनाई हो जाती है। हाँ जी, बस टमाटर होता है क्योंकि वो जो है ना टमाटर इसलिए डालते हैं जो मिर्ची की कड़वाहट जो है ना वो खत्म हो जाती है। आज लुक चेंज कर लिया, आज चार पाई डाल के बैठ गई हो, चार पाई डाल दिया है क्योंकि हमारी छोटी चार पाई जो है ना वो खटड़ी जो ले आई थी वो टूट गई, वो टूट गई है, अच्छा तो नीचे बैठने की जगह नहीं, पता नहीं कैसे वो बिल्डिंग करते हैं, बस एक डेढ़ महीना पता नहीं दो महीने पहले ले आए थे जब वो बर्तन लिए थे, दूसरा महीना अभी चल रहा है। हाँ वो टूट भी गई है, है। लूहे वाली थी, टाके उसके उखड़ गए हैं। हाँ, टाके उखड़ गए, जैसे बच्चे लोग आपको पता है उठाते हैं ना। हाँ बस वो उधर रखते उनने खत्म कर दिया, बस है भी पाए वो दूसरे घटाए वाले पाए,
अंदर से खाली है ना वो, खाली है। थोड़े थोड़े से जो धार बेल्ट लगाया था वो खत्म हो गया, पता भी नहीं चला, टूट गए। दूसरी लकड़ी वाली लेते तो वो भी, वो कहते हैं जो आपने हाथ से जो है ना खुद बनवा के खटड़ी वो अच्छी लगती है। हाँ, हटती भी अच्छी है। वो होते ना नलके वाले जो नाल होते ना वो सरोफ होती है। हाँ। तो वो वाली अगर बनी हुई होती तो वो जिंदगी काफी है, दस्ती जो बना देते हैं। हाँ। अभी है नहीं हमारे पास नाल, मैं कहती हूँ क्योंकि लकड़ी ऊपर रखी है उधर से है जो है ना छोटी वो कड़ी जैसे सेनू है। नहीं, इसको टाके लगवाऊंगा मैं, खुद जाके उसको बताऊंगा। इसके अंदरली साइड पे जो है ना नुक्कड़ वाले सपोर्ट हैं, सरिया लगता है, वो लगा देगा फिर नहीं टूटेगी। फिर आपकी तबीयत सही होगी तो फिर जाओगे, आप चल नहीं सकते कैसे जाओगे अभी तो। बस कभी हो जाएगी, हमारे लिए तो मसला है, हम नीचे बैठ नहीं सकते ना ही किसी सेल वगैरह ना। देखूंगा कल अगर बाइक पे जाना पड़ेगा तो इधर कोई वेल्डिंग वाला बैठा तो बनवा के ले आऊंगा। अभी तो टाइम खत्म हो गया, गुजर गया है, अभी तो अंधेरा होने वाला है, घर का काम भी करना है। आज है ना प्याज आपने जो लिए माशाल्लाह अच्छे बहुत प्यारे प्याज थे, देसी थे, देसी प्याज। और दूसरे नहीं होते फुलकारे, सेंध वाले गोल मोल, सेंध के नहीं होते। हाँ। वो इधर से होते हैं, फुलकारा प्याज होता है जैसे सलाद के लिए, अमरूद की तरह, अमरूद की तरह वो प्याज था, वो मीठा होता है, वो सलाद के लिए काटा है ना, 5-6 प्याज काटा है, फिर मुझे पता भी नहीं। वो होटल वाले ज्यादा लेते हैं, उसकी सलाद बनाते मीठा होता है, मीठा होता है। मैंने 1 किलो लिया था, उसने 120 रुपए किलो दिए थे। हाँ, अभी महंगे हो गए ना। हाँ, तकरीबन ये बनते हैं मेरे ख्याल में 45-44 सौ रुपए मान, 4,000 रुपए मिले थे, नहीं 2800-3,000 रुपए मिलते थे पहले। हाँ, 3,200-3,000 इतने, ज़्यादा अहमद ने लिया था, वो कहना है 800 पे लिया है हमने, 800 नहीं 2800 जी। तो जब आप लेके आए थे 10 किलो ईद के लिए वो 4,000 रुपए, 4,000 रुपए 100 रुपए किलो नहीं 80 रुपए लिए थे, 100 रुपए लिए थे, 80 रुपए किलो लिए थे। अच्छा, वो बनते हैं 0-0-8-32-3200 रुपए मान, 3200 रुपए मान। अब तो आपको कहा है, मैंने कहा एक मान आप ही ले लेते रहो। अब मैंने उसको कल कहा है, मैंने कहा अगर ऐसे वाले प्याज मिलते हैं तो वो ले के रखो, मैं 15 किलो ले लूंगा। उसने कहा मैं पता करता हूँ, सावन वास्ते जाना, वो एकदम ले के रख दे वो अच्छे होते हैं, रोज लेने से वो महंगे पड़ते हैं। चलो पता करूँगा। तो माशाल्लाह प्याज हमारे जो अच्छे खासे बिरौने हो चुके हैं, और टमाटर हरी मिर्चें भी, तो और जो है सूखे मसाले वो डाल के इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टमाटर ने डाल दिया है, अभी डालने हैं हरी मिर्चें और हल्दी। हाँ जी अम्मी, हाँ जी है हल्दी 1 चम्मच, अभी है मिर्चे की बारी। ये मिर्ची बहुत कड़वी होती है, एक में एक की तल में है, एक की तल में है, बनती है तो खाती दो एक तल। ये जो है ना सूखे मसाले मैंने ऐड कर दिया, अभी इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करते हैं, ब्राउन करने के बाद जो है ना हम घी ऐड करेंगे। माशाल्लाह मिसाले हमारे अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउन हो चुका है, ये देखो। हाँ जी, ग्रेवी माशाल्लाह तैयार हो ये मैंने ऐड कर दिया, अभी इसको अच्छे तरीके से मैश करते हैं, मैश करने के बाद जो है ना ये अच्छे खासे ब्राउन हो जाएंगे, फिर डालेंगे इसके अंदर जो है ना पानी वगैरह नहीं डालना, ऐसा भी ब्राउन होगा। प्याज हमारा
जबरदस्त वीआईपी मजेदार रेसिपी, वो भी काफी दिन बाद। काफी दिन बाद बना रहे हैं, न्यू रेसिपी। हाँ जी, हाँ जी, ताकि हमारे मिसाले वगैरह घी वगैरह जो है ना अच्छा खासा राल मिल बन जाए। राल मिल बन जाए। हाँ जी, रेडी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए। अच्छा, कैसे लग रहे हैं? खाएंगे तो पता चलेगा, वैसे तो अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, जैसे अच्छे लग रहे हैं। ज्यादा चम्मच ना लगाओ, भत्ता बन जाएगा। वो कोई बात नहीं, अच्छे बन जाते हैं। गाल जाते हैं। सुबह से रखे हैं ना, ज्यादा माशाल्लाह गले हुए हैं। सही है, भैया गले हुए चंगे लगते हैं। सख्त जो है ना वो सही नहीं लगते। आग जला दिया तंदूर में, भाभी ने जला दिया है और लगता है इसमें गई है। भाभी भी हिस्सा ला रही है। नीचे जल रहा है लेकिन ये मोरी खुली है। मैंने कहा शायद केरी से ना बांध ली। नहीं नहीं, मोरी खुली है। आग क्यों नहीं जल रही? जल रही है, नीचे काफी डालिया ना, तो को लगेगी फिर। हाँ, ज्यादा जलेगी, कचरा ले आना पड़ेगा। और चला जी, तंदूर तो रत्ता लाल हो गया है लेकिन लकड़ी बाल रही है अभी तक। अभी वो लकड़ी बलेगी तो दो। सुनाओ असलम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत कैसे हैं? बेहतरीन। वीआईपी कैसे चल रहे हैं आपके सोलर? सोलर या सही नहीं चल रहे। क्यों, धूप नहीं है क्या? नहीं। हाँ। पहले दिन चले हैं सही। अच्छा अच्छा, एसी भी चल रहा सारा कुछ, फिर दूसरे दिन एसी बंद हो गया। सिस्टम सही। अच्छा, फिर आज जो है ना सुबह मैंने वो दे दिया कन्वर्टर। अच्छा, मैंने कहा यार इसे बना दो, तो सुबह फिर आएंगे लगाएंगे। जो बिजली बनाता है वो वाला? अच्छा अच्छा, बिजली पे एसी सही चलता है, सोलर पे हालांकि बिजली भी पूरी होती है फिर भी वो ट्रिप कर जाता था। ऐसे हवा आती रहती थी, चलता रहता था लेकिन ठंडक नहीं होती थी। अहमद का ऐसे कर देता है, उसने कन्वर्टर रखवाया है, बिजली कम थी तो वो बन जाएगा। फिर देखूंगा अगर सही चलता है, ठीक नहीं तो फिर उनसे कहूँगा यार ये रख लो, ऐसे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो, आठ से नौ के वी, 10,000-15,000 वाट वाला मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं। होता है इसका। अच्छा, ये 7 KV वाला है। अच्छा अच्छा, तो फिर 10 KV वाला या 8 KV वाला बनवाएंगे, वो फिर सही चलेगा। सही है। माशाल्लाह जी, सब्बा भी आ चुकी है, अहमद भी आ चुका है, रोटियां लगाने आ गए हैं। हमला कर दिया है, हमने कहा टाइम से जाएं फिर लेट हो जाती है। अच्छा, तो आज सालन बनाई किया, फिर उसको जो है ना वहाँ पे रखा चूल्हे पे और वापसी आ गए इधर। सुबह क्यों नहीं बनाई रोटी? वो हमने रात चावल बनाए थे, वो थोड़े से रखे हुए थे, फिर मैंने कहा रोटी बनाने जाती हूँ, फिर अम्मी जान ने कहा इनको फजूल करोगे, आपके पास ज्यादा खर्चा है कि आप लोग एक चीज पड़ी होती है फिर दूसरी बना के रख देते हो, कोई जरूरत नहीं है रोटी बनाने की। मैंने कहा अच्छा, फिर वही चावल जो है ना हमने खाए थे। चलो अच्छा किया है, बचत हो गई है ना। बेबो सही कहा है, मैंने कहा बेबो आज आप रोटी नहीं बनानी, अम्मी को बुलाओ रोटी के लिए, वो कहता है नहीं। वो आया था आकर, मैंने कहा हम नहीं बनाते, वो मेरी दादी जान कहती है आपके चावल जो रखे हैं ना वो खाना है, आज रोटी नहीं बनानी। मैंने कहा चलो ठीक है आप चावल खाओ। हमने भी चावल बनाए थे ना, सुबह बच्चों ने खाए थे। मैंने रात चावल बनाए, फिर हमारा सिलेंडर खत्म हो गया था, फिर थोड़े थोड़े कच्चे रह गए थे, फिर हमने रोटी बनाई, फिर थोड़े थोड़े खाए, फिर सुबह न्यू सिलेंडर भरवाया, फिर उसको दोबारा मैंने तैयार किया, फिर हमने खाया। सही है। और टूटी थे असा सिलेंडर मरवा ना, तो भी मरवा में चा असा ही, मतलब सिलेंडर रखे ही कहीं, बस गुहे चाहिए भात बाजा। सही है, सूखी रोटी बाण में नहीं, हमने ईद पे भरवाया था, बकरा ईद पे। तो सिलेंडर भी बड़ा है ना, आप मान वाला है आपका? हाँ। 25 किलो वाला है, बड़ा है लेकिन हमने ना मेरे ख्याल में 3,350 का भरवाया था, फिर उस दिन से नहीं भरवाया। रोटियां जला रही है रुखसाना आज, नीचे गिर गई है। अच्छा अच्छा, अभी किसकी पहले किसकी रोटी बन रही है? हमारी टूट रही है, हमारी ऐसे बनेगी वो, यानी कि कुछ सड़ी हुई सही नहीं बनती, आखिरी पे भी सही नहीं बनती। हाँ। जो जो दरमियान में बनाता है, जो दरमियान में लगाता है उसकी सही, वो मुरकनी रोटी बनती है। आप मुरकनी बनाओगे? जिसका नसीब होगा अच्छा, वो अच्छी अच्छी होती जा रही है। अब जैसे अब क्यों ना मैं भेज निकालू,
निकाल के खा लो। खाओ। हमने आपको रोका है, चखो लेस चेक करो जी, तुम्हें लेस होंगी वे कहीं भेट लेस हुई अन्या अरबी दे वे जो होंगी है वो साको नहीं मजा नहीं खंदा लेस होंदी है भेज नहीं होंदी। हाँ वो सही बात कह रहे, जैसे काटना काटते हैं ना कच्चे कच्चे काटते वक्त होती है ना उस टाइम ऐसे लगती है जैसे वो केले की लेस होती है, वहाँ भिंडियों की होती है, जब बोयन होते हैं बिरोन होते हैं फिर अच्छी बनती है। चलें हमला बोल दिया इसने, देखते हैं देखते हैं कैसा सालन बना ये बताएगा। हाँ। बहुत अच्छा है, वीआईपी है, मैंने खा लिया है, खा लिया ना तू अदी नहीं चाहे बिली बड़ा सियाने दा पोतरी सब्बा भी आदी एक गिरा हो गए दे आ मुंह में आनी मुंह नाल खोसी मैं के पियो अपने नाल कर खोसी ओ ता मुंह कनु खंदे तू के ब्याह सुराख बड़ी खड़ी कहना मैं तेरे सामने मुंह नाल खोसा बैठे रहो बना।